निलोफर मसूद। हाँ निलोफर मसूद जी, अब यहां पर स्थिति क्योंकि गठबंधन में है, क्या मुद्दे यही हैं या फिर हम देख रहे हैं कि मैदान में कई पार्टियां मैदान में हैं, निर्दलीय हैवीवेट नजर आ रहे हैं इस पहले चरण में, तो कहीं इसका नुकसान आपके गठबंधन को तो नहीं होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता हमारे गठबंधन को कोई नुकसान होगा। यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि 10 सालों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने हुकूमत की। जो ये अभी बढ़ चढ़ कर जो नैरेटिव की दुकान, फॉल्स नैरेटिव की दुकानें जो ये चला रहे हैं पिछले 10 सालों से, यहाँ ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है धनंजय जी, धनंजय जी अच्छा आ गई है निलोफर जी, बोलिए। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस, मिस गवर्नेंस और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बगैर में दिया गया। इन जितने भी सवाल आते हैं उन पर उठते हैं, क्योंकि 10 सालों से वो हुकूमत करते आ रहे हैं। जो वो एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डायनास्टी रूल है, डायनास्टी, इनसे पूछ लीजिए जो आपके एमपी अभी हाल ही में चुनकर आए हुए हैं, जिनमें आपने 11% से ज्यादा, आपने 11% से ज्यादा लोगों को टिकटें दे दी, क्या वो डायनास्टी से नहीं आ रही थी? जिनके घर अपने कांच के होते वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। तो अगर इनको कहीं ना कहीं डायनास्टी कोई थ्रेट लग रहा था तो उनको अपने से ही शुरुआत करनी थी, उन डायनास्टी रूल को वहां खत्म करना था। और जिस डायनास्टी के लोग यहाँ चुनकर आते हैं उनको लोग चुनते हैं, वो कोई इलेक्टेड नहीं है इनकी तरह जो यहाँ पर बैठे हुए थे, जो आज इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आपने इनको बहुत अच्छा कहा कि आपने देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर क्या आज भी। ठीक है धनंजय जी बोलिए। पूजा जी उंगली मैं आ रही हूँ निलोफर जी, मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि तमाम सवाल यहाँ पर आपकी तरफ से भी और सलमान सोस की तरफ से खड़े किए गए हैं। धनंजय जी, इन्होंने सिनेमा हॉल यहाँ आ रही हूँ आपके पास निलोफर जी, लाइट शॉप खोलकर कोई नॉर्मलसी को दर्शाता नहीं है, वो नॉर्मलसी नहीं है। अगर 2014 से पहले आप आंकड़े देखेंगे, आप देख लीजिए 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट ने जम्मू कश्मीर को विजिट किया। 20 इयर्स तक यहाँ पर कोई ऐसी मिलिटेंट एक्टिविटी, हॉट बेल्ट जो आज बने हुए हैं जम्मू किश्तवाड़ पुंछ वगैरह एरिया, वहां पर 20 सालों से एक गोली नहीं चली। और आज तक क्या वजह है कि इन्होंने हमें ये कुछ कनेक्शन में मुझे लगता है निलोफर जी आपकी प्रॉब्लम आ रही है लगातार। जम्मू कश्मीर जहां पर कोई मिलिटेंसी की वारदात नहीं होगी, और बदकिस्मती से 5 सालों में आप देख लीजिए हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो कहाँ पहुंचा है, विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। बेसिक सहूलियतें देने में ये नाकामयाब रहे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो हर घर नल का जो है नारा लगाते हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली आपको नहीं मुहैया होगी, राशन जो है वो नहीं मिलेगा। छोटे छोटे छत अगर किसी गरीब ने बनाए थे, इन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल करके उनके घरों को रोक दिया है। यहाँ के जज्बातों का इन्होंने कभी एहसास नहीं किया, हमें डिग्रेड करके दुनिया के सामने ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं। इनको पिछले इलेक्शनों में भी जवाब मिला, और किस इलेक्शन में भी इनको जवाब मिलेगा जब इनके कैंडिडेट जहां जहां उन्होंने उठाए। अगर इतनी वेल एंड वेल सिचुएशन आपके लिए है निलोफर जी, तो क्यों गठबंधन की जरूरत पड़ गई? बीजेपी भी है अकेले मैदान में, पीडीपी उतरी है अकेले मैदान में। होना बहुत जरूरी है, देखिए उसका होना बहुत जरूरी, क्योंकि इन्होंने एक और प्रोपेगेंडा भी यहाँ पर बड़े जोर शोर से चलाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये कल को हाथ बीजेपी के साथ मिलाएगी। हमारा गठबंधन जो कांग्रेस के साथ है ये पहली दफा नहीं है, हमारा गठबंधन इससे पहले भी हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि हमारी जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है उनके साथ मिलती है। उस आइडियोलॉजी के, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जो राहुल गांधी जी आप नहीं, पहले तो कांग्रेस की 370 हटाने वाली आइडियोलॉजी नहीं थी, पढ़ाने के लिए पहले तो नहीं थी, आज जरूर वो विचार मिल रहे हैं। सलमान सोसा जी भाई, आइडियोलॉजी तो क्या वक्त के साथ अब एक होती नजर आ रही है ना, क्योंकि गठबंधन में आप हैं, इंडिया गठबंधन के आप पार्टनर्स हैं। तो इंडिया देखिए, जो जो इंडिया गठबंधन जो है, जो हमारी एक हिसाब से आइडियोलॉजिकल जंग जो है बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ नेशनल लेवल पे, जम्मू कश्मीर भी उसका एक हिस्सा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी तो इंडिया अलायंस के ऑलरेडी पार्ट है, तो ये तो हमारे लिए तो एक नेचुरल चीज है एक अलायंस में लड़ना। लेकिन आप, मुझे पता है आप जाएंगे अभी धनंजय जी के पास, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जो निलोफर जी ने इनसे कहा बहुत अच्छा कहा, ये कहते हैं भाई हमने सब कुछ ठीक कर दिया। बाय द वे इनका फेवरेट एग्जांपल है टूरिज्म, देखो इनको शायद पता नहीं,
दो चीजें टूरिज्म की जम्मू कश्मीर में खास है, जो डेटा आता है ऑफिशियल डेटा, इनको शायद पता नहीं होगा, 85% टूरिज्म जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन का है। और वो क्यों है? क्योंकि माता वैष्णो देवी का रिलीजियस जो टूरिज्म होता है वो होता है। और इनको ये भी पता नहीं होगा कि 2011-12 में 1.3 करोड़ लोग आए थे जम्मू कश्मीर। ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे यहां पे कुछ था ही नहीं। आपको ये भी बता दूं, आपके दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए, 2008 का जब इलेक्शन हुआ था असेंबली का, उसमें 60% वोटिंग हुई थी। जब 2014 का इलेक्शन था, जब मैं खुद लड़ रहा था, मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा था विद मिनिमल सिक्योरिटी, मैं और बारामूला में उस वक्त 66% वोटिंग हुई थी। बाय द वे 2011 में जब पंचायत का इलेक्शन, विच इज ग्रास रूट्स का इलेक्शन, 85-90% वोटिंग हुई थी, 85-90%। ये क्या कहेंगे हमको इन्होंने सिक्योरिटी की, क्या इंप्रूवमेंट की? जवाब दीजिए, पूछिए।